वेलकम टू फिजिक्स मेड इजी चैनल। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेसनल डिस्टेंस और रिजॉल्विंग पावर पे हम काम करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको डाइफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट कवर कर दिया, उसकी इंटेंसिटीज भी हमने डिस्कस कर ली थी। और एक बार मैं आपको ये एक रिमाइंड करवा दूं कि जो वेव ऑप्टिक्स है ये एक एविडेंस है इस चीज का कि जो लाइट है वो सीधी लाइन में नहीं चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट का अप्रोक्सीमेट है। तो आज हम शुरू करेंगे, ये भी एक बड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पड़ चुका है नीट में भी और जेई मेन में भी। नॉर्मली जो टॉपिक्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो जेई मेन के लिए भी है और बोर्ड्स के लिए भी है। और डिफरेंस कहाँ पे है, जो जेई मेन में क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा हो सकता है, और जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उसमें मेन फोकस कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है और वो मैथमेटिकल पार्ट को बहुत कम डालते हैं। और अब हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेसनल डिस्टेंस है क्या। फ्रेसनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां तक हमें ऐसा लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द डिस्टेंस एट विच द डायफ्रेक्शन स्प्रेड ऑफ ए बीम बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड फ्रेसनल डिस्टेंस। जो ये डायफ्रेक्शन स्प्रेड है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, या वे हमने आपको दिखा रखा है, दिस इज डायफ्रेक्शन स्प्रेड। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है ये डायफ्रेक्शन स्प्रेड है जो बढ़ता जाता है। तो मैंने आपको एक यहां पे ये एक्सप्रेशन नोट कीजिए सेंट्रल मैक्सिमा का, डी इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, मैं यहां पे ये एक्सप्रेशन लिख देता हूं। जो मेरे पास लीनियर विड्थ है मैं इसको विड्थ लिखता हूं सेंट्रल मैक्सिमा की, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का एक्सप्रेशन मेरे लिए ये है, दिस इज टू लैम्डा डी बाय ए। ए जो है ये साइज ऑफ स्लिट है और डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है, डब्ल्यू विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की क्या है, इसके लिए मैं एक यहां पे छोटा सा आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये सेल्फ कंटेन्ड हो जाए। और उसके लिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये इसके वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां से मैंने इसको ऐसे, ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा बन गया और ये हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमाज है। जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है W, इसको मैं W राइट कर देता हूं। तो अब मेरे पास क्या है, जैसे ही डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन बढ़ती है तो ये स्प्रेड है जो, ये विड्थ बढ़ जाती है। जैसे अब अगर मैं यहां पे एक आपको लाइन ड्रॉ करूं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है ऐसे इसमें आ गए, और उसके बाद मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये अब विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की। एक्चुअल विड्थ इतनी है, स्लिट की विड्थ कितनी है, इतनी, ये एक्चुअल विड्थ है स्लिट की, दिस इज ए। जब तक जो विड्थ फ्रेसनल डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रेसनल डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को मैं फ्रेसनल डिस्टेंस बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू जो स्लिट की विड्थ है, इतनी विड्थ है। तो इसका मतलब क्या है, अप टू दिस पॉइंट W इज इक्वल टू A, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमें उसकी जो डायफ्रेक्शन का इफेक्ट यहां तक नहीं दिखता है। और इसके बाद ये रीजन आ गया, इस रीजन में W इज ग्रेटर देन A, तो ये जो सारा रीजन है मेरे पास
इस सारे रीजन में जो विड्थ है, दिस इज जो विड्थ ऑफ सेंट्रल डायफ्रेक्शन पैटर्न है, ये इस स्लिट से ज्यादा होगी। तो फ्रेसनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट विच W इज इक्वल टू ए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट। तो फ्रेसनल डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड है। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड अप टू द पॉइंट अप टू विच लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और डायफ्रेक्शन डज नॉट इफेक्ट। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अप टू फ्रेसनल डिस्टेंस एंड फ्रेसनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट फ्रॉम द स्लिट एट विच W इज इक्वल टू ए। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आ जाता है, वो ये है इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द बीम ड्यू टू डायफ्रेक्शन वुड बिकम लैम्डा d बाय a। और अब ये जो मेरे पास है लैम्डा d बाय a, d लैम्डा बाय a, दिस इज डी लैम्डा बाय ए, इट शुड बी लेस देन ए। यहां से मेरे पास ये चीज निकलती है इट शुड बी लेस देन ए। तो यहां से मैं ये लिखूंगा कि डी शुड बी लेस देन ए स्क्वायर बाय लैम्डा। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। तो अब इसमें जो फ्रेसनल डिस्टेंस है डी एफ वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर ऑफ स्लिट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो डायफ्रेक्शन जो है वो इफेक्ट करेगा और देयर विल बी एनक्रोचमेंट ऑफ शैडो। अगर इससे डिस्टेंस कम है देयर विल नॉट बी एनी एनक्रोचमेंट ऑफ शैडो एंड डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड अप टू फ्रेसनल डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। रे ऑप्टिक्स फ्रेसनल डिस्टेंस तक वैलिड है। और अब ये इसने एक सिंपल न्यूमेरिकल निकाल दिया, हमारी जो आंख की प्यूपिल है इसका डायमीटर जो है वो 10^-3 मीटर्स होता है या 1 mm होता है। जो हमारे पास येलो लाइट है इसकी जो विजिबल लाइट की हमने एवरेज वेवलेंथ ये ले ली और ये मेरे पास 6×10^-7 मीटर है और यहां से मैंने फ्रेसनल डिस्टेंस निकाल ली डी एफ, ए स्क्वायर बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगाया और ये 1.67 मीटर्स। तो इसका मतलब यह है कि 1.67 मीटर तक लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बियॉन्ड दैट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। तो अब डायफ्रेक्शन का एक और इफेक्ट होता है, जो हमारे पास एक पॉइंट इमेज है, सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट इमेज है, ऐसे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट थी और इसका ये काफी डिस्टेंस 2-3 मीटर या 10-15 मीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट थी। तो अब क्या होगा, इसकी इमेजेस मुझे ऐसे दिखेंगी, एक सेंटर आ जाएगा और उसके बाद एक ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी और फिर उसके बाद एक डार्क फ्रिंज आ जाएगी। तो इस तरह से ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का कॉम्बिनेशन बनी जाएगा और ये सर्कल्स बनेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो सर्कल्स बनते हैं इसका नाम हमने ब्राइट सेंट्रल सर्कुलर जो डिस्क है इसको हम एरीज डिस्क कहते हैं। पहली बात तो ब्राइट सेंट्रल सर्कुलर रीजन को हम एरीज डिस्क बोलते हैं और इसमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। ये डायग्राम दिखा रखी है, दिस इज एरीज डिस्क और ये दोनों डार्क हैं जो ग्रे कलर के शो किए हुए हैं, सेंट्रल ब्राइट। अगर मैंने यहां पे लिखना हो तो दिस इज ब्राइट, ये डार्क, फिर से ब्राइट और फिर से डार्क, ऐसे मेरे पास रीजन्स बन जाते हैं। तो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है,
अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे पास में होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे पास में है, तो जब हम इनको लार्ज डिस्टेंस से देखेंगे तो इनकी जो एरीज डिस्क ऐसे जो सर्कल्स बनेंगे वो ओवरलैप करने शुरू कर जाएंगे और हमें ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें ये लगेगा कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा हमें लगेगा। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक काम करता है, वो जो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंस पे पड़ी हैं, बहुत क्लोज हैं, उनको वो रिजॉल्व करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक ड्यूटी ये भी है। और अब रेसिप्रोकल और जो टेलीस्कोप की हमारे पास रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालेंगे, टेलीस्कोप दूर वाली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें डिस्टेंस हम नहीं यूज करते, एंगल यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप क्या कहती है कि कोई दो ऑब्जेक्ट जब उनको जस्ट रिजॉल्व देखा जा सकता है, जो उसमें वो आंख पे एंगल बनाते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल सब्टेंडेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी जस्ट सीन सेपरेटली थ्रू द टेलीस्कोप मेजर द रिजॉल्विंग पावर। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये इस तरह से एंगल बनाते हैं, मैं अकेला एंगल शो करूंगा, ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है मैं इसको 2 थीटा रख लेता हूं, शायद मेरे पास इसकी डायग्राम है, यस दिस इज द डायग्राम। तो ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है और इसी के साथ हमारे पास टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। अब ये जो स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा बनाते हैं आंख के ऊपर, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल है जो बनाते हैं वो इसकी रिजॉल्विंग पावर को मेजर करता है, उसका जो वो इसकी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है, और जो उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि मेरे पास अब इसमें आ जाएगा दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो वो स्मॉलेस्ट एंगल 2 थीटा है, स्मॉलेस्ट एंगल जो मेरे पास 2 थीटा है इसको मैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलता हूं। 2 थीटा जो मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल 2 थीटा, इसको मैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन LOR बोलता हूं। और जो 1/2 थीटा है ये मेरे पास रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की। तो एक बार फिर से, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है ये 2 थीटा है, और 1/2 थीटा है जो ये मेरे पास रिजॉल्विंग पावर है। इसी तरह से मैं माइक्रोस्कोप की भी आपको यहीं से ही दिखाऊंगा, ये एक माइक्रोस्कोप की मेरे पास डायग्राम है, O1 O2 दो ऑब्जेक्ट हैं, ये नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टेंस है वो मेरे पास d है, ये डिस्टेंस है ये मेरे पास d है, दिस डिस्टेंस इज d, इनको हम जस्ट रिजॉल्व देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस d है, ये अगेन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम रिजॉल्व देख सकते हैं उनमें जो कम से कम डिस्टेंस डी है उसको हम माइक्रोस्कोप की लिमिट रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं डी, और उसका जो इनवर्स है 1/d इसको मैं रिजॉल्विंग पावर बोलता हूं। इसी तरह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है जो हम प्रिज्म ज़ेरा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा के बराबर होती है, इसको हम कम यूज करते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। और नेक्स्ट एक रेले क्राइटेरिया, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर दूंगा। रेले क्राइटेरिया क्या है, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थी ए और बी,
ए का डाइफ्रेक्शन पैटर्न ये बन गया जो हमने ब्रोकन लाइन से शो किया हुआ है, नो सॉरी बी का है, ए का जो है वो हमने सॉलिड लाइन से डिस्प्ले किया, जहां पे मैं माउस को इस वक्त ट्रेवल करा रहा हूं, ये मेरे पास ए का डाइफ्रेक्शन पैटर्न है और जो ब्रोकन लाइन वाला बी का डाइफ्रेक्शन पैटर्न है। तो दो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व कब होती हैं? जब ए के डाइफ्रेक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा बी के डाइफ्रेक्शन पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड करता है। देखिए जो ए पॉइंट जहां पे मेरा माउस है, जो ए पॉइंट है यहां पे, इसके ऊपर ए ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिनिमा है और ये किससे कोइंसाइड कर रहा है? मैक्सिमा ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और अब ऑब्जेक्ट बी का मिनिमा यहां पे डायग्राम में मैंने बी पे शो कर रखा है और ये किससे मैच करता है? मैक्सिमा ऑफ ए। तो ये जो क्राइटेरिया है, अगर इसको डिस्क की जैसे दिखाएं तो ये हमारे पास दो सेंट्रल जो इनकी डिस्क है और ये आपस में टच तो करती है लेकिन ओवरलैप नहीं करती, तो इनके लिए भी सेम कंडीशन है। तो यहां से मैं इस क्राइटेरिया को हम रैले क्राइटेरिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रैले, इन केस ऑफ टू वेरी क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, टू वेरी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस, पैटर्न इज रिगार्डेड एज जस्ट रिजॉल्व। पैटर्न हमें रिजॉल्व दिखता है, अलग अलग दिखता है, कब? जब सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न जस्ट कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मिनिमा ड्यू टू द अदर। ए का मिनिमा यहां पे है, ये किससे कोइंसाइड करता है? बी के मैक्सिमा से। बी ऑब्जेक्ट का मिनिमा यहां पे है, बी ऑब्जेक्ट के डायफ्रेक्शन पैटर्न का मिनिमा इस पॉइंट बी पे है जहां पे मेरा माउस है, ये किससे कोइंसाइड करता है? ए ऑब्जेक्ट के डायफ्रेक्शन पैटर्न के मैक्सिमा से, जो ये है। इसी तरह से ए का मिनिमा बी ऑब्जेक्ट के डायफ्रेक्शन पैटर्न के मैक्सिमा से कोइंसाइड करता है। ये कंडीशन है रेजोल्यूशन की, जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो रिजॉल्व्ड है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन दे आर रिजॉल्व्ड एंड दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड रेले क्राइटेरिया। विद दिस आई फिनिश दिस लेक्चर एंड इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस वीडियोस, गिव योर कमेंट्स एंड व्यूज। If you like it, share it. If you don't like it, then kindly work out how it can be improved so that I can serve in a better way to, in a quest to realize your dreams. Thank you very much. And with these words, I finish this lecture.